बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और गर्मी भी इंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, कोरोना, इसलिए घर में बैठें और मेरे लेक्चर्स सुना करें, ठीक है। आज ICS पार्ट फर्स्ट पर हम जिस क्वेश्चन पर बात करेंगे वो है व्हाट इज़ आउटपुट। आउटपुट क्या है? व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट? डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं आउटपुट की, और वो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाती हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर होगा इसका, लेकिन नहीं, बहुत छोटा है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इसके चूँकि तीन पार्ट्स बन रहे हैं, सबसे पहले मैं बताऊँगी कि आउटपुट क्या है, फिर डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं आउटपुट्स की, और फिर वो डिवाइसेस जो आउटपुट के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये बेसिकली इसके तीन पार्ट्स बन रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, इन पे बात करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहला पार्ट ये है कि आउटपुट क्या है। अगर आपने ICS पार्ट फर्स्ट के मेरे शुरू के लेक्चर सुने हों तो शायद आपको याद हो, वहाँ पर मैंने आपको डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था, जहाँ पर हम डाटा को इनपुट कहते हैं और जब उस डाटा पर कोई प्रोसेस किया जाता है तो उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसे आउटपुट कहा जाता है। सेम इसी तरह वो डाटा जिसपे हम किसी भी किस्म का प्रोसेस करेंगे और उसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसे जो है आउटपुट कहा जाता है, ठीक है। तो ये आउटपुट की सिंपल सी डेफिनेशन है। तो एक पार्ट हो गया कवर हमारा, दो रह गए कि टाइप्स कौन सी हैं आउटपुट की। अच्छा जी, तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये था कि टाइप्स कौन सी हैं आउटपुट की। आउटपुट की बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक है सॉफ्ट कॉपी और दूसरी है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो आउटपुट जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट हो तो सेम वही कॉन्सेप्ट इसका है। सॉफ्टवेयर वो कॉपी होगी आउटपुट की जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है, ये टेंजिबल नहीं है, ठीक है। सेम वैसे जैसे सॉफ्टवेयर में है कि टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल यानी कि इसको हम टच नहीं कर सकते, हम इसे सिर्फ स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल में कुछ रीड कर रहे हैं तो वो आपका सॉफ्ट कॉपी है, अगर आप कंप्यूटर में कुछ देख रहे हैं तो वो आपका सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि हम उसे टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्ट कॉपी होगी। सेकेंड आउटपुट है जी हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी वो आउटपुट जो जिसे पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाएगा, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो वो सॉफ्ट कॉपी है, और जब आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि हम बुक्स जो हमारी हैं, ठीक है, तो जो कॉमन डिवाइसेस हैं प्रोड्यूस करती हैं हार्ड कॉपी को, उसे प्रिंटर या प्लॉटर कहा जाता है। प्रिंटर जो कि बुक्स को प्रिंट करता है, और प्लॉटर वो आउटपुट डिवाइस होती है जो बड़े बड़े बैनर्स को प्रिंट करती है। जैसे ये पॉलिटिशियंस या कोई एड वगैरह हो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो इनके बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं, तो इन बैनर्स को प्लॉटर्स के ऊपर प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट और हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी हम टच नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, इसलिए ये टेंजिबल नहीं है। जबकि ये हार्ड कॉपी जिसे हम टच कर सकते हैं, ये टेंजिबल है, और ये हमें पेपर के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है। तो ये टू टाइप्स हैं आउटपुट की। अच्छा जी, तो हमारे क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था वो था कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हमें आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से और हमें शो करवाते हैं, उसे आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है, ठीक है। और ये आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं कि ये आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन लेती हैं और फिर उसे फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? मॉनिटर से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, ठीक है, कंप्यूटर सब लोग यूज़ करते हैं, तो मॉनिटर जो हमें चीज़ें डिस्प्ले करवाता है, ये आउटपुट टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है जो हमें शो करवाएगा, ऑडियो फॉर्म में भी हो सकती है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब कि हर फॉर्म में मॉनिटर हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करेगा किसमें? हार्ड कॉपी में, और हमें पेपर पर प्रिंट करके देगा। जैसे हमारी बुक्स प्रिंट हुई होती हैं, आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो प्रिंट हुए होते हैं, तो किसमें? प्रिंटर में प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्लॉटर्स।
अब प्लॉटर्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बड़े बड़े बैनर्स होते हैं जिन पे इमेज वगैरह भी होता है और टेक्स्ट भी लिखा जाता है, तो ये वो आउटपुट डिवाइस है जो बैनर्स बनाने के। प्रिंटर जो है वो छोटा, चूँकि अगर हम देखें तो पेज हमारे छोटे छोटे होते हैं, साइज़ उनका छोटा होता है, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्लॉटर्स जो है वो बड़ी आउटपुट यानी कि बड़े साइज़ का हार्ड प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्पीकर। तो स्पीकर वो आउटपुट डिवाइस है जो हमें साउंड, जो आवाज़ होगी वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो बेसिकली ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि आउटपुट है क्या, ठीक है। जब हम किसी डेटा को प्रोसेस करेंगे, उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आउटपुट हो जाएगी। और आउटपुट की टाइप्स कौन सी हैं जी, सॉफ्ट कॉपी है और हार्ड कॉपी है, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइसेस हैं जो हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन को बहुत सारे एंगल्स से पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में चूँकि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की बात हो रही है, तो अगर देखा जाए तो इसको एज अ डिफरेंस भी पेपर में पूछा जा सकता है। आप की अपनी चॉइस है। अगर आप डिफरेंस के पॉइंट्स को याद कर लें और अगर डेफिनेशन की सूरत में आ जाए तो आप इनको एक डेफिनेशन की सूरत में लिख सकते हैं, और अगर ये एज अ डिफरेंस आ जाए तो आप उसे इस तरह लिख सकते हैं। जब भी किसी चीज़ का डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि कंपैरिजन है, और कंपैरिजन हमेशा इस तरह बराबर में रख के किया जाता है। तो डिफरेंस जब भी आप लिखें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट इधर और एक इधर, जैसे मैंने यहाँ सॉफ्ट कॉपी लिखा और इधर हार्ड कॉपी लिखा है। उसके बाद आप इनको इस तरह नंबरिंग देंगे, और अगर ये एक लाइन सॉफ्ट कॉपी की यहाँ पे आ रही है तो दूसरी भी उसके बराबर, और अगला पॉइंट बिल्कुल बराबर से स्टार्ट होना चाहिए। आप आगे पीछे नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका भी फर्स्ट ही चल रहा हो लेकिन यहाँ पे आप इसका फर्स्ट करें, इसका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया, यहाँ पे इसका सेकंड और इसका सेकंड आप नीचे तक ले गए जबकि यहाँ पे इसका थर्ड स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने इस तरह कंपैरिजन करना है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप या तो डिफरेंस के पॉइंट्स देख लें या वैसे जो डेफिनेशन के तौर पे है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। चले इसके डिफरेंस को अगर हम देखें तो सॉफ्ट कॉपी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, चूँकि ये हमें लैपटॉप पे हम इसे देखते हैं, हम इसे कंप्यूटर पे देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है सॉफ्ट कॉपी, जबकि हार्ड कॉपी क्या होती है, प्रिंटेड फॉर्म में होती है, चूँकि हमें पेपर के ऊपर प्रिंट की सूरत में नज़र आती है। सेकंड पे देखें कि ईजियर टू मॉडिफाई। अब सॉफ्ट कॉपी को चेंज करना आसान है, कैसे? फर्स्ट करें, आपने कुछ टाइप किया, ठीक है, एक पैराग्राफ सपोज आपने टाइप किया, उसमें अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप वहाँ से बैक स्पेस करेंगे, डिलीट करेंगे और उसको मॉडिफाई कर लेंगे इजीली, ठीक है। लेकिन जब आपने एक चीज़ का प्रिंट निकाल लिया, हार्ड कॉपी में ले ली, तो उसको मॉडिफाई करना मुश्किल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में आ गया, आप उसके ऊपर पेंसिल से तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको दोबारा से सॉफ्ट कॉपी में जाकर उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट कॉपी को मॉडिफाई करना आसान है, जबकि हार्ड कॉपी को मॉडिफाई करना काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट थर्ड पे है जी कि ये इनटेंजिबल है, सॉफ्ट हम इसे टच नहीं कर सकते, जबकि हार्ड कॉपी टेंजिबल है, हम उसे टच कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में जो भी चीज़ होगी उसे स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर किया जाएगा, जैसे आप CD, DVD, हार्ड डिस्क, इसके अलावा USB फ्लैश, इस तरह की चीज़ों में इसको स्टोर कर सकते हैं, जबकि हार्ड कॉपी आपका पेपर के ऊपर प्रिंट निकल के आएगा, ठीक है। आप इसे पेपर के ऊपर स्टोर करोगे इसको, जबकि आप स्टोरेज डिवाइस के ऊपर सेव करोगे। सो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा क्वेश्चन था आउटपुट के बारे में, जिसमें हमने इसकी दो टाइप्स देखी, उनका डिफरेंस भी देखा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।